आज हम आपको बताएंगे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं और 220 वोल्ट एसी को कैसे 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लगेंगे 4 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, फिर एक कैपेसिटर 4700 माइक्रो फैरेड 25 वोल्ट, एक लगेगा 12012 ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन करके 12012 एसी में परिवर्तित करेगा। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले लेते हैं 4 डायोड। इसका एक सिरा एनोड होता है, दूसरा सिरा कैथोड होता है। तो सबसे प्रथम एक बार कैथोड यानी प्लस प्लस को कैथोड सिरे को, ये सफ़ेद लाइन कैथोड होती है, ये देख रहे हैं आप, एक बार ये सफ़ेद को वाइट एक बार सब जोड़ देंगे, ये सिरा लेंगे, दूसरे सिरे में एनोड को जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे एनोड और फिर ये जो बचे 4 सिरे हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। जी दोस्तों ये बनके फुल वेव रेक्टिफायर तैयार हो गया। इसकी वर्किंग जो है आप बता दें कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी एसी को डीसी में बदल देता है। स्थिर रखने के लिए जो पल्स बची रहती है उसको, एसी पल्स बचती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें एक 25 वोल्ट 4700 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर लगा देते हैं। ये प्लस है, ये प्लस हो और ये माइनस, प्लस में एक सिरा प्लस का कैपेसिटर के प्लस का और ये माइनस का, माइनस में इसको जो है प्लस में कनेक्ट कर देंगे, इसको माइनस में, दोस्तों ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो गया। दोस्तों अब ये ट्रांसफार्मर लेंगे, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड, इसको आपको छोड़ देना है। इसका एक सिरा, अब इसका एक सिरा वायर, ये दो एक सिरा इसमें लगाना है, बचा हुआ सिरा देख रहे हैं आप यहाँ पर तो एक ये प्राइमरी साइड में आप 220 वोल्ट देंगे और यहाँ से आप इन टर्मिनलों से इससे प्लस, इससे माइनस और इससे प्लस वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे। ये फुल वेव रेक्टिफायर और ये 220 वोल्ट एसी टू 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर रेडी। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।